कड़ी और समोसा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत कम शहरों में मिलता है। आज मैं आपको लाई हूँ दाऊ समोसे वालों की वर्कशॉप पे, जहाँ के कड़ी समोसे पूरी झांसी में फेमस है। तो आइए चल के देखते हैं इनको ये कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये कैसे बनाते हैं ये स्पेशल कड़ी। तो जब तक हम यहाँ पहुँचे इन्होंने तड़का पहले से तैयार कर लिया था, पर अब हमारे लिए स्पेशली दोबारा तड़का बना रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया गया है और उसमें डाल दिया गया है तेल। खुशबू के लिए डाले जा रहे हैं ढेर सारे करी पत्ते और इसके साथ ही इसमें डाली जा रही है राई के दाने, थोड़ी सी मेथी दाना या फेनिग्रिक सीड्स, इसके साथ ही जा रहा है ज़ीरा और ढेर सारी कटी हुई हरी मिर्चें। इन सबको अच्छे से मिलाया जा रहा है। तो अब इसमें डाला जा रहा है ढेर सारा बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब जब दही से मक्खन निकाला जाता है, जो नीचे पानी बचता है, छाछ जिसको कहते हैं, वो डाला जा रहा है इसमें। और इसके साथ ही इसमें डाला जा रहा है काफ़ी सारा पानी और इसमें डाला जा रहा है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक है भैया, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ये देखिए बेसिक तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। और जैसा कि मैंने कहा था, इन्होंने ऑलरेडी तड़का बना के रखा हुआ है, तो ये जो पहले वाला तड़का है बना हुआ, इसमें मिला देंगे हम ये। और अब इस तड़के वाले मिक्सचर को उबाल आने तक पकाया जाएगा। ये देखिए तड़का बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है और अब इसमें जा रहा है बेसन और दही का मिक्सचर और इसको फटाफट मिलाया जाएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और इस तरह से ये लोग बीच में इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहते हैं। ये कड़ी काफ़ी पतली बनती है, जो नॉर्मल कड़ी हमारे घर में बनती है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट कंसिस्टेंसी की होती है, पर ये वाली काफ़ी पतली कड़ी होती है। ये देखिए कड़ी में जैसे ही उबाला आना शुरू होता है, इसके बाद इसको फेटा जाता है बहुत अच्छे से। इससे क्या होता है, ये यूनिफॉर्म हो जाती है और थोड़ी थिकनेस भी आती है इसमें। और यहाँ पर इस कड़ी को ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से फेटा गया है और टोटल बनने का टाइम कड़ी का ऑलमोस्ट 1 घंटा है। कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें जा रही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कड़ी की हींग। तो काफ़ी सारी हींग है जिसको कि पानी में घोल के आखिरी में डाला गया है। इस आखिरी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि हींग की खुशबू जो है वो बरकरार रहती है और कड़ी का स्वाद जो है डबल हो जाता है। और अब इसमें और भी बेहतरीन फ्लेवर्स देने के लिए इसमें डाले जा रही है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और अब बनाए जाएंगे समोसे। तो इसके लिए यहाँ पे उबाले गए हैं ढेर सारे आलू। यहाँ पर करीब 25-30 किलो उबले हुए आलू का मसाला बनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई ली गई है और इसमें डाला गया है अभी तेल। इसमें डाला जा रहा है काफ़ी सारा सौंफ, हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अब इसमें डाले जा रहे हैं उबले हुए आलू। ये देखें तो करीब 25 से 30 किलो उबला हुआ आलू डाला गया है इसमें और अब इसको बहुत अच्छे से मिलाया जाएगा। तो बस इसको इस तरह से तोड़ा जाता है और मसाले में मिला लिया जाता है। और अब इसमें डाला जा रहा है ये धनिया पाउडर काफ़ी सारा, लाल मिर्ची पाउडर, काफ़ी सारी खटाई। तो यहाँ पे जो आप मसाले देख रहे हैं ये एकदम प्योर मसाले हैं और यहीं पर ये पीसे जाते हैं और इसलिए इनका फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। और गरम मसाला ये भी इनका खुद का ही पिसा होता है, इसलिए इनके फ्लेवर्स बहुत ही इंटेंस होते हैं। और साथ ही में जा रहा है काफ़ी सारा नमक और ये देखें जा रहा है इसमें हरा धनिया खूब सारा कटा हुआ और बस इसको भूना जाएगा। तो जो झांसी के आलू होते हैं उसमें खासियत ये होती है कि मसाला इतना भुना जाता है कि मसाले का कलर जो है वो अभी आपको जो येलो दिख रहा है उससे बदल के अच्छा डार्क हो जाएगा, हल्का सा ब्लैकिश सा हो जाता है। ये देखिए मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से और आप देखें इसका कलर भी बदल गया है। बस इसको एक बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर समोसे भरे जा रहे हैं। तो इसको इस तरह से लंबा बेल लिया जाता है और बीच से कट लगाया जाता है और यहाँ पर इस तरह से इसको फटाफट काट काट के रख लिया जाता है। और समोसे का आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको देखिए कितने फटाफट ये भरते हैं। तो ये करीब 125 समोसे तैयार हैं और ऐसे 2 लॉट बनाए जाते हैं। और एक बड़ी सी कढ़ाई में करीब 250 समोसे इकट्ठे, मतलब 2 लॉट समोसों के इकट्ठे तले जाते हैं एकदम धीमी आंच पे। ये सेकते हैं करीब 20 से 25 मिनट तक, जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए।
तो ये देखिए बनके तैयार हो गए और आप बाहर भीड़ भी देख सकते हैं, समोसे फटाफट बिक जाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, एक पत्ता समोसे का हम भी अपने लिए बनवा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बन रहा है कड़ी समोसा। तो ये समोसे को तोड़ दिया जाता है और इसमें डाली जा रही है कड़ी। तो आपने देख ही लिया कड़ी कैसे बनाई जाती है यहाँ पे, और थोड़ी सी हरी चटनी। और ये मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। तो आमतौर पे शहरों में समोसे शाम को नाश्ते में खाए जाते हैं, पर झांसी में ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। और मैं अभी बचपन से खा रही हूँ इस तरह से, और टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी है, और जो कड़ी का फ्लेवर है वो बहुत बहुत अच्छा है। इसमें हींग की खुशबू, मसालों की खुशबू है, और समोसे के साथ तो ये कॉम्बिनेशन अमेजिंग होता है। अगर आज से पहले आपने ट्राई नहीं किया है तो आप झांसी आएँ और दाऊ समोसे का एक कड़ी समोसा ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।